आप होटल मालिक हैं या आप लीज पर होटल लेके चलाते हैं, समस्या दोनों के लिए है। जो आपको बहुत परेशान करती है वो है DTH रिचार्ज। बहुत टेंशन होती है उसकी। आपकी अच्छी सी होटल है, अच्छे से रूम है, लेकिन उन सबको आपको कम रेट में कस्टमर को देना पड़ता है कंपटीशन की वजह से। एक सरदर्द बना हुआ है टीवी रिचार्ज। तो आज मैं इनसे आपको छुटकारा दिलाऊंगा। अगर आपके होटल में 20 रूम भी है और आपको एक रिचार्ज करवाना है कम से कम भी 350 रुपये का, इससे ज़्यादा का ही होगा HD का अगर हम लेंगे तो। लेकिन मान लीजिए 350 रुपये से भी हम जोड़ते हैं महीने के, तो अगर आपके होटल में 20 रूम है तो 7,000 रुपये बन जाते हैं। आज इन पैसों को मैं कैसे आपके लिए कम करता हूँ, और आप भी कहोगे कि आप कहाँ थे। अगर पहले से आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले आपको अपने होटल पर एक जियो सेट टॉप बॉक्स लगवाना है, जियो फाइबर का कनेक्शन लेना है सेट टॉप बॉक्स के साथ, ताकि आपको इन सबसे छुटकारा मिल जाएगा महंगे रिचार्जों से। तो आपको सेट टॉप बॉक्स के साथ जियो फाइबर का कनेक्शन लेना है, उसके सारे प्लान लेना है जिसमें सेट टॉप बॉक्स में OTT वगैरह, अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स सब कुछ मिल जाए। तो आपको कम से कम 100 Mbps का प्लान लेना है। शुरुआत 30 Mbps हो जाती है, लेकिन आपको कम से कम 100 Mbps, उससे ज़्यादा 150 Mbps या 30 स्पीड का तो आपको प्लान लेना ही पड़ेगा। इसमें आपको सारे OTT सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे, 14 OTT तो फ्री है। उसके बाद आप नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम, थोड़ा पैसे ज़्यादा चार्ज होंगे लेकिन मिल जाएंगे। लेकिन हमें सिर्फ रूम पर इंटरनेट पहुँचाना है। कस्टमर को बोलना है ऑनलाइन टीवी मिलेगी, इंटरनेट टीवी मिलेगी। तो आपको टीवी तक इंटरनेट पहुँचाना है। उसका तरीका है लैन केबल या फिर वाईफाई। तो पहले हम लैन केबल से बताएंगे। हमें आपको लैन केबल जो आती है उसको आपको टीवी से कनेक्ट करना है। उसके अच्छी सी लैन केबल लेके कनेक्ट करना है। ये डायग्राम है। इन PC की जगह आप टीवी मान लीजिए, और आपको ऐसे स्विच से वहाँ पर लैन केबल के जरिए इंटरनेट हर रूम में पहुँचाना है। तो ये जो डायग्राम है, PC की जगह टीवी है और आपको लैन केबल से वहाँ पर नेट पहुँचाना है। तो ये टीवी हो सकते हैं 10, 20, 15, जो भी आपके होटल में टीवी है। लैन केबल थोड़ा महंगा हो सकता है, उसके बजाय अगर आप चाहें तो राउटर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लैन केबल स्टेबल कनेक्शन है। एक अच्छा सा राउटर जिसकी रेंज अच्छी हो वो लेना है आपको, और उस राउटर को आपको अपने होटल के बीच में लगाना है। मतलब जैसे आपका फर्स्ट फ्लोर है, उसमें 10 कमरे हैं, तो 5 कमरे इधर और 5 कमरे उधर बीच में लगाएंगे, ताकि अच्छे से रेंज पहुंच जाए। तो इस जगह पर लगा के और हर रूम में इंटरनेट पहुंच जाना चाहिए। तो राउटर को बीच में लगाना है, ताकि अच्छी सी रेंज मिले, हर रूम में नेट पहुंच जाए और टीवी को जो इंटरनेट स्पीड चाहिए वो मिल सके। तो बीच में हमें राउटर लगवाना है, ताकि रेंज अच्छे से मिले। उसके बाद दूसरा काम है टीवी को एंड्रॉयड करना। अगर आपके पास एंड्रॉयड टीवी नहीं है, पहले से लग चुकी है, तो कैसे क्या करें? तो उसके लिए क्या फाइबर इंस्टॉलेशन करना है, उनसे आप एक्स्ट्रा सेट टॉप बॉक्स मांगिए कि मुझे 1, 2, 3 जो भी चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। आप उनसे बोलिए कि मुझे एक्स्ट्रा सेट टॉप बॉक्स भी चाहिए, तो आपको मिल जाएगा, वरना आपके लिए फायर स्टिक सही है। फायर स्टिक, MI स्टिक आ रही है, MI टीवी स्टिक। तो आप MI टीवी स्टिक के जरिए भी अपनी टीवी को स्मार्ट टीवी बना सकते हैं। MI टीवी स्टिक लीजिए, आप फायर टीवी स्टिक लीजिए, ये भी 2,000 रुपये में आपको मिल जाएगी। अगर आपकी पुरानी टीवी है, पहले से लगी हुई स्मार्ट टीवी नहीं है वो, तो उससे आपकी टीवी स्मार्ट बन जाएगी उसमें। उसके बाद अगर आपकी टीवी पहले से स्मार्ट है, तो फिर ये कुछ करना नहीं, सिर्फ इंटरनेट पहुँचाना है। तो अपने वाईफाई और Cat6 केबल के जरिए अपने रूम में इंटरनेट पहुँचा दिया है। उसके बाद आपको एक सबसे पहला काम करना है, अपने टीवी के अंदर यूट्यूब इंस्टॉल करना। अगर स्मार्ट टीवी तो उसमें पहले से यूट्यूब होगा तो कुछ करना ही नहीं, 90% तो काम आपका वहीं सोल्व हो गया है। अगर कपल आ गए तो उन्हें सिर्फ सॉन्ग सुनना है और कुछ नहीं करना है। तो यूट्यूब रहेगा तो सॉन्ग चलते रहेंगे, उनका काम हो जाएगा। अगर कोई फैमिली आती है, कोई और आता है, तो यूट्यूब के अलावा अगर वो कुछ और देखना चाहें, तो आपको जियो की एक जियो प्लस टीवी आती है, जियो टीवी, वो इंस्टॉल करनी है। और जियो टीवी के बाद जियो 14 OTT एप्स देता है फ्री, तो वो सारे OTT एप्स उसमें आपको इंस्टॉल करना है। और जैसे ही जियो टीवी आप इंस्टॉल करोगे, तो दुनिया के जितने चैनल हैं भारत के, वो सभी उसमें मिल ही जाएंगे। तो इतने ज़्यादा चैनल कौन देखेगा एक नाइट की या 2 दिन के लिए? तो
वो ज़्यादा है। उसके बाद आपको दूसरी OTT में इंस्टॉल करना है एप्स एप्लीकेशन जियो सिनेमा, सारी मूवी ऑन डिमांड उसमें मिल जाएगी, वो सी मूवी है वो सब उसको मिल जाएगी, IPL वगैरह जो देखना वो भी जियो उस पर फ्री है, उसके बाद सारी मूवियाँ उसी पर आ जाएगी। और बहुत से ऐसे फ्री OTT एप्स हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी TV स्मार्ट हुई, आपको आपने बोला कस्टमर को कि ऑनलाइन TV मिलेगी, IPTV मिलेगी, बस इतना सा बोलना है, आपके 7,000 रुपये महीने बच जाएंगे। और कैसा खर्चा आएगा, सिर्फ 1200-1400 रुपये महीने का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आपके सभी फ्रेंडों को, जिन जो होटल का बिजनेस करते हैं या आपका कोई रिश्तेदार जिसकी होटल है, जो भी आपके ग्रुप में हो होटल बिजनेस करने वाला, तो प्लीज़ ये वीडियो उन तक फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी इस तरीके को यूज़ करके अपना कुछ पैसे बचा सके। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए।